गोगा नवमी पर निकलने वाले चल समारोह के लिए गोगा देव के आकर्षक सहरे सच कर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें निहारने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज के आराध्य वीर गोगा देव के जन्मोत्सव पर गोगा नवमी पर इंदौर शहर में वाल्मीकि समाज के द्वारा छड़ी निशान और भव्य चल समारोह निकाला जाएगा, जिसमें गोगा देव के सहरे आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शहर में वाल्मीकि समाज के कारीगर महीनों की मेहनत से इस दिन के लिए शानदार सहरे का निर्माण कर रहे हैं। माँ दुर्गा मंडल सिंघा भगत के अखाड़ा के द्वारा शानदार सहरा तैयार किया गया, जिसमें भगवान विष्णु का चित्रण किया गया है। कारीगर करीब 8 महीने से इस सहरे को तैयार कर रहे हैं। जय श्री गोगा जी। पहले तो आप सभी इंदौर वासियों को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जैसा कि ये गोगा जी महाराज का आप सेहरा देख रहे हैं, ये गोगा नवमी के पावन पर्व पर आज शाम को निकालने वाला सेहरा है। ये माँ दुर्गा मंडल सिंघा भगत जी नागर साहब का अखाड़ा है ये, और शाम को आज पंडरीनाथ गोगादेव मंदिर पर निशान को लेकर के जाएंगे साथ में। साहब इसको बनाने में साहब कम से कम हमें 8 महीने का समय लगा। साहब 1.25 महीने की मेहनत नहीं, ये 8 महीने की हमारी निरंतर मेहनत है, जिसमें हमारे दल के सभी युवक, हमारा परिवार पूरा इसमें लगा रहा, पूरे समाज ने मिलकर, हमारे पलासे ने मिलकर इसका पूरा निर्माण किया है। और शाम को इसको जब हम लेकर के आएंगे तो इसकी जो आधा भी आप देख रहे हैं इसको पूरा रूप में आप इस झांकी को बनाने में सबसे पहला तो हमारे कलाकार भाइयों मंडेसर से पधारे थे लकड़ी बांधने। जे पगारे जी ने इसको 6 महीने से लेकर इस लकड़ी को छीला बांधा, उसमें कई कलाकार हमारे पलासी के भी रहे, जैसे कि हमारे छोटे भाई सागर अजयपाल, प्रीतम अजयपाल, उसके बाद चेतन सरेस्वाल, अश्विन सिंधे, अर्पित सिंधे और अन्य कलाकारों ने इसमें काम करा है माँ दुर्गा मंडल की तरफ से। और कुछ थर्माकोल का काम करने के लिए हमारे भाई हेमंत धुलिए, इन्होंने भी बहुत सहयोग करा आके। और इसमें मैसेज राम दरबार का दिया गया है, राम दरबार की मूर्ति जो राम जी ने, इन्हीं का अवतार है श्री राम जी, इसलिए इनको अवतार हमने इस सेरे में लगाया है। कुल मिलाकर इंदौर में गोगा नवमी पर निकलने वाले चल समारोह और छड़ी निशान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और पूरी रात शहर के हृदय स्थल राजपाड़ा पर लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।